Thank you.
हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, अभी परसों एक कल तो 16 को रिलीज होने वाली है। हम लोग सब एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि उसके कास्ट वगैरह सब इतने अच्छे है और स्टोरी भी इतनी अच्छी है, तो हम लोग सब एक्साइटेड है, बहुत ही एक्साइटेड। मनोज सर तो क्या, मनोज सर ही है, उनका तो एकदम क्रीम रोल है उसमें, मनोज सर और किशोर कदम साहब, वो उससे ही मूवी बहुत उठने वाली है। नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, को प्रोड्यूसर भी हूँ। तो क्या इस तरह से हाँ, अभी वो मेरे फ्रेंड प्रोड्यूसर नितिन जी है, वो मेरे बहुत नज़दीक के फ्रेंड है, तो उसमें उनका रोल बहुत अच्छा है कि कौन सा कास्ट सिलेक्ट करने का, किसको क्या ये करने का। मैं अभी तक सोचा नहीं, लेकिन होएगा जरूरी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो ये फिल्म जो है वो जयंत पवार हमारे मराठी के एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उनकी कथा पर आधारित है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आजकल मोबाइल पे सब इतना इजीली अवेलेबल है, तो अगर लोगों को आप पूछे कि क्यों नहीं जा रहे हो आप थिएटर, तो उनका जवाब एक ही आता है कि उतना अच्छा कॉन्टेंट होना चाहिए। सो मेरे ख्याल से ये उतना अच्छा कॉन्टेंट है कि शायद लोग ये फिल्म देखने के लिए थिएटर आएँ। और जितना मज़ा हमने शूट के टाइम पर किया है, आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस को देखते समय भी उतना ही मज़ा आने वाला है। सो मैं उनसे विनती करूँगी कि थिएटर में जाके देखें। जी, मैं भाऊबड़ी जो फिल्म का नाम है, उसमें भाऊ नाम का एक जो मेन किरदार है, उनकी बहू का किरदार मैं निभा रही हूँ, जिसका नाम है क्रांति गीता। वो चाहती तो बहुत कुछ करना है, लेकिन सब मन ही मन में, एज इन उसको खुद को कुछ नहीं करना है, बस वो चाहती है कि वो हो जाए जो मुझे चाहिए। तो ऐसा एक थोड़ा अजीब और थोड़ा फनी कैरेक्टर है, जो करने में बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर ऑडियंस को भी वो पसंद आए। जी, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ पहली बार ही काम करने का मौका मिला। थोड़ा शूटिंग से पहले थोड़ा टेंशन था कि यू नो सीनियर आर्टिस्ट है, थोड़ा सीरियस रहेंगे, कैसा अगर कुछ गलती हो जाए तो कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं, बट वो इतने उन्होंने हम सबको इतना कंफर्टेबल कर दिया ना सेट पे कि किसी को कुछ टेंशन था ही नहीं। मतलब जितना मज़ा फिल्म देखते समय आपको आएगा, उतना ही मज़ा शूट करते टाइम हमें भी आया, उनके साथ काम करने में भी। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली उनको देख देख कर के, कैसे उनका प्रोसेस है एक्टिंग का, तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें सीखने को भी मिली, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। किशोर कदम तो नेशनल अवार्ड विनर है ऑब्वियसली, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ मेरे ज़्यादा सीन्स थे नहीं, सो उनके साथ इतना स्क्रीन शेयरिंग या फिर टाइम स्पेंड करना भी हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे उनके साथ भी कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले। समीर पाटिल इस फिल्म के डायरेक्टर है, और इससे पहले भी वो काफ़ी सारे फिल्म्स कर चुके हैं जो कि कॉमेडी बेस्ड है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फिल्म का पैटर्न है वो तो उनका फोर्टे है, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो बैटिंग की है, बाकी अब देखते हैं। सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे ही सोसाइटी के बारे में ये फिल्म है, और मैं इस बारे में काफ़ी श्योर हूँ कि हर एक किरदार से या फिर किसी ना किसी किरदार से आप खुद को रिलेट कर पाओगे। सो प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए। थैंक यू सर। आपकी मूवी आई है बाहुबली, लोग काफी प्यार दे रहे हैं। बाहुबली ही फिल्म 16 सप्टेंबरला म्हणजे परवा संपूर्ण महाराष्ट्रभर रिलीज होते है। माझी प्रेक्षकांना नम्र विनंती आहे की थिएटर मध्ये जाऊन
भाऊ बड़ी हा अत्यंत विनोदी आणि खूप अंतर्मुख करणारा असा हा चित्रपट आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल। मराठी चित्रपटसृष्टीतले जवळजवळ 45 कलाकार यात काम करत आहेत, माझ्या आणि किशोरसह अप्रतिम कलाकार आहेत आणि लोकांना हा विषय नक्की आवडेल। मी स्टोरी सांगत नाही आहे, बट डेफिनेटली यू विल लव इट। भाऊबळी, इट्स नॉट बाहुबली, इट इज भाऊबळी। प्लीज वॉच इट, थँक यू। माझा कॅरेक्टर भाऊचा आहे। भाऊ अतिशय शिस्तप्रिय आहे, सरकारी नोकरीत काम करणार आहे। मी कडक शिस्तप्रिय असा आहे की तो स्वतःचा नातूसुद्धा जर घरात खेळताना काही खोड करत असेल तर स्वतःच्या मुलाला सांगतो, भाऊ की मला रिटर्नमध्ये दे की पुन्हा असं हा मुलगा करणार नाही, असा शिस्तप्रिय भाऊ। माणसाच्या गैरसमजुतीमुळे आणि अहंकार काय करू शकतो, किती एक्स्ट्रीम लेवलला जाऊ शकतो, असा हा खूपच सुंदर असा चित्रपट आहे। मी त्या चित्रपटाविषयी काही सांगणार नाही कारण तुम्हाला मजा येणार नाही, पण निश्चितपणे चित्रपटगृहात जा, बघा आणि इतरांनासुद्धा सांगा, तुम्हाला नक्की आवडेल। आणि हा चित्रपट फक्त चित्रपटगृहात जाऊन बघा, पायरेटेड बघू नका। थँक्यू। हां, इसमें समीर पाटील जे आहेत ते दिग्दर्शक आहेत आणि दशमी क्रिएशन्स आणि झी स्टुडिओनं हा चित्रपट जनतेसमोर प्रस्तुत केला आहे। आताच्या काळात जे सिनेमे येतात त्याच्यात निश्चितपणे वेगळा चित्रपट आहे। जयंत पवारांनी याची कथा, पटकथा आणि सगळी स्टोरी जी आहे ती त्यांची आहे, तुम्हाला नक्की आवडेल। अँड आय थिंक जयंत पवार आपल्याच्यात नाही आहेत, पण हा चित्रपट नक्कीच लोकांना आवडेल। मी पुन्हा एकदा विनंती करतो, सगळ्यांनी चित्रपट भाऊबळी हा 16 सप्टेंबरपासून रिलीज होतो आहे, तो चित्रपटगृहात जाऊन बघा। नाही, मी ऑडियन्सकोही बोल रहा हूँ। माझा सगळ्या प्रेक्षकांना नम्र विनंती आहे की तुम्ही ज्या पद्धतीनं प्रेम केलं आहेत आजवर माझ्यावर, मी मधूनमधून मराठी चित्रपट करत असतो। तुम्ही किशोर कदमसुद्धा चांगला, ऋषिकेश जोशी आहे, मी किती लोकांची नावं घेऊ, 45 ॲक्टर्स आहेत। हा चित्रपटात काम करणारा प्रत्येक कलाकार हा तुम्हाला निश्चित आवडेल, निश्चित। आणि ह्याची कथा वेगळी आगळी आहे आणि विनोदी आहे, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, सो प्लीज वॉच इट। थँक्यू।